हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमजी गेमिंग। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज अपने खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट और इसकी मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। और वैसे मेरे को इस गेम के बारे में इतना ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो मैं बता रहा हूं, आप मेरे को कमेंट के अंदर बता सकते हैं। और मेरे को कभी ऐसा ना हो आप जाके कमेंट के अंदर बोलो कि भाई सब तुम तो इस गेम के अंदर भी नूब निकले। तो मैं बता दूं, मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूं, तो मेरे को इतना ज्यादा कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि अपने को इस गेम के अंदर करना होगा सर्वाइव, और रात निकालनी होगी और दिन निकालना होगा, और बाद में जाके कोई मॉन्स्टर आएगा उसको भी मारना होगा। बहुत सारे मिशन है वो अपने को देखने को मिलेंगे इसके अंदर, और अपने को सबसे पहले इसके अंदर अपना वर्ल्ड जो है क्रिएट करना होगा। तो भाई सब स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको पहले बता दूं, अगर मैं किसी चीज को गलत बोलूं तो आप मेरे को कमेंट के अंदर जाके उस चीज का नाम करेक्ट बता देना। कभी ऐसा ना आप बोलो भाई सब क्या कर रहे हो यार, तुमसे ना हो पाएगा, ये मत बोलना, ठीक है? तो फटाफट से मैं अपने वर्ल्ड का नाम जो है क्रिएट करता हूँ। तो भाई सब लिखते हैं यहाँ पे अपनी, अबे यार मैं गलत लिख रहा हूँ, देखो मैं आते ही गलत लिखने लग गया, अपनी दुनिया लिख देते हैं। और फटाफट से जो है इसको कर देते हैं क्रिएट, और देखते हैं अपने कहाँ पे स्पॉन होते हैं, तो देखते हैं चलो। सो गाइस, अपना जो है गेम शुरू हो जाएगा। और मैं भाई साहब कहाँ पे स्पॉन हुआ देखो, मतलब पेड़ के बीच के अंदर, ये भी सही। देखो आते भाई साहब हेल्थ जो है मेरी कम हो चुकी है, और मैं फटाफट से जो है क्राफ्टिंग को जो है शुरू करता हूँ वुड से। तो मैंने जो है कुछ वुड कलेक्ट करते हैं, उसके बाद कहीं चलते हैं अपने जो है सबसे पहले बनाएंगे क्राफ्टिंग टेबल, क्योंकि अपने उसी से क्राफ्ट कर पाएंगे सामान को। तो चलो करते हैं फटाफट से, देखते हैं कितनी वुड हो पाती है यहाँ से। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी वुड है, मैं जहाँ पे स्पॉन हुआ ना, इतनी वुड मिलेगी ना अपने को यहाँ से, मतलब किसी ने सोची ना होगी, ये देखो। और वैसे आपको पता है अपने को सिर्फ रात निकालनी होगी कैसे भी करके, नहीं तो यार अपने को रात को आते हैं भूत, उन्हें तुम देख के ना डर जाओगे। तो मैं ना कुछ प्रबंध करते हैं उनका ही, तो अगर फ्लो में कुछ ना गलत निकल जाए तो यार माफ़ी चाहूँगा तुम सभी से। तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अपने 1K के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। और अब जो है 2022 भी चलने वाला है, 2021 का एंड जो है होने वाला है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ना 2020 से भी और 21 से भी कई गुना अच्छा निकले सभी का, मतलब बहुत सही निकले। अबे यार ऊपर चल यार, यार मैं फंस चुका हूँ मेरे को लग रहा है। आई थिंक मेरे को ना सीढ़ियाँ बनानी होगी यहाँ पे, तो सीढ़ियाँ क्रिएट करते हैं। ये देखो ऐसे होगी सीढ़ियाँ क्रिएट, ऐसी होगी ना, हो चुकी है भाई साहब, हो चुकी है, होगी क्या अब? अबे यार मैं फंस चुका हूँ यार यहाँ पे बीच में। अबे नहीं गलत है, उसका पानी नीचे क्यों हो रहा है? अबे नहीं नहीं, मैं ना यार खुद ही जल के मर गया। चलो वुड फिर से इकट्ठा करते हैं, और मैं ना क्राफ्टिंग टेबल को पहले क्रिएट करता हूँ, और ऐसी जगह पे चलते हैं फटाफट से जहाँ पे ना अपना रहने का बंदोबस्त हो जाए रात को। और अपने को अब चाहिए शीप, क्योंकि उससे बनेगा अपना बेड, ठीक है? और क्राफ्टिंग टेबल तो मैं अभी कर ही लेता हूँ फटाफट से, उसके बाद मैं शीप को ढूंढूंगा। यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ है, और यहाँ पे घर बन जाएगा क्या अपना अच्छा खासा, और शिप मिल जाए तो बहुत अच्छी खासी बात है। मेरे को जो है पिग मिल चुके हैं, यानी कि सुअर, और सामने मेरे को एक दिखी है शिप, तो उसे मारते हैं फटाफट से, और उससे देखते हैं क्या अपने को मिलेगा। मेरे को लग रहा है अपने को मीट भी मिलेगा उसका, और मिलेगा। मर जा भाई साहब, मर जा। चलो ये तो गई मर, और एक ये भाई साहब, अबे एक नहीं भाई साहब, यहाँ पे बहुत सारी है, मतलब अपना बंदोबस्त हो चुका है खाने का भी और सोने का भी। इसे भी मारते हैं, ये भी खत्म होगा अभी। देखो चिकन भी मिला अपने को, चिकन, ये देखो चिकन, इसका तो चिकन मैं पका के खाऊंगा। अबे नीचे मत गिर जा, फंस चुका है यार तू, फंस चुका है, ये देखो। ठीक है चलो, अपना जो है बेड का प्रबंध हो चुका है, और सामने देखते हैं क्या, ये सामने क्या है भाई साहब, चलते हैं सामने की ओर, वहां पे देखते हैं क्या है। और मेरे को ऐसी पीक पे घर बनाना ना जहां से ना पूरा चारों ओर का जो एरिया है ना मेरे को दिख जाए इजी, रात को जो है मजा आएगा क्योंकि वहां पे। और मेरे को लग रहा है ऊपर सबसे होंगे ना, तो अपने को कोई ऐसा भूत भी मारने नहीं आएगा, भूत प्रेत भी आपको पता है रात को, नहीं तो अपने को मार जाएंगे यार वो इजी। और इस जगह पे मेरे को लग रहा है घर अपना बहुत सही लगेगा, चलते हैं पहले तो ऊपर की ओर, और यहाँ पे मेरे को लग रहा है सीढ़ियाँ बनवानी होगी अपने को, बनवानी क्या होगी, बनानी होगी, ठीक है? तो बनाते हैं यार, टाइम क्यों वेस्ट करें अपना। यहाँ पे मैं कैसे घर बनाऊंगा इतनी सी छोटी सी जगह पे, क्या ही अबे लावा सामने की ओर, और मेरा बेड मेरे को लग रहा है यहाँ पे लग जाएगा, रात होने वाली है क्योंकि। चलो मैं ना फटाफट से अब पहले तो बनाता हूँ
क्राफ्टिंग टेबल हो चुका है अपना क्रिएट, और अब मैं इस क्राफ्टिंग टेबल को लगाता हूँ। लो भाई साहब बेड अपना गया बन, और अब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, चिकन को यहाँ पे रखता हूँ जेब के अंदर, और इसको तो मैं फिर से जेब में डाल लेता हूँ। अबे चला जा जेब के अंदर, मतलब लगाते हैं अपना बेड और सो जाते हैं यहाँ पे चैन की नींद मजा में। सो गाइस सुबह भी हो चुकी है और मैं फटाफट से अपना जो है बेड उठाता हूँ यहाँ से, क्योंकि ना कभी भी यहाँ पे क्रीपर्स आ सकते हैं और निकलना चाहिए अपने को यहाँ से। देखते हैं पहले तो ये जगह कैसी है। मेरे को ना कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे ना मैं अगर घर बनाऊँ तो चारों ओर से ना नज़ारा बहुत सही आए, बहुत सही कैड़ा नज़ारा है कैड़ा। आपको पता चली क्या होगा मैं कैसा नज़ारा चाहता हूँ। और गाइज आप अगर माइनक्राफ्ट खेलते हो तो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स के अंदर आपको ये गेम कैसी लगती है, और आपको पता है ये गेम के जो व्यूज़ है ना वो सही वाले हैं, कैड़े हैं व्यूज़, तो इसलिए मैं खेल रहा हूँ, आप भी खेल लेना आपको अगर खेलनी हो। और चल यार चल ऊपर, मेरे को लग रहा है ऊपर की ओर लावा भी है, लावा आ रहा है यार ऊपर से, ठीक है मेरे को अब दिखा है, मेरे को लग रहा है लावा ही है भाई साहब, ये देखो ऊपर से लावा आ रहा है, तो चलते हैं ऊपर की ओर। और वैसे भाई साहब ये जगह ना मेरे को लग रहा है देखी हुई है मैंने पहले भी, ये देखो लावा, ये है लावा, पूरे जंगल को जला दे रहा है यार ये तो। वैसे मैं कभी यहाँ पे घर बनाऊँ और सुबह उठूँ तो मेरा घर जो है जला हो, ऐसा मेरे को नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये देखो जल चुका है, यहाँ पे लावा है मेरे नीचे, जस्ट लावा है, तो घर यहाँ पे बनाना सही है या नहीं मेरे को नहीं पता अभी तक, तो कहीं और चलते हैं। यहाँ पे कभी यार मैं घर बनाऊँ तो सुबह पता चले कि भाई साहब घर था अब नहीं है, पहले था। अब मेरे को ना फटाफट से घर तैयार करना होगा, ठीक है बहुत हो चुका, क्योंकि यहाँ पे घर बना लेते हैं और उसी घर के अंदर अपने कुछ दिन रहेंगे और उसके बाद उस घर को अपने छोड़ के चले जाएंगे जब अपने को ये गेम पूरा जो है समझ आ जाएगा, क्योंकि ना मेरे को भी पता चले यार कि घर बनते कैसे हैं। ये लो बुड़ लेते हैं पहले तो घर के लिए, क्योंकि घर के अंदर बुड़ के बहुत सारे सामान बनने वाले हैं, और भी देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ है वो भी अपने को पता चल जाएगा ऊपर चल के। और ये देखते हैं ये जगह सही है कि बिल्कुल फ्लैट जगह होनी चाहिए, क्योंकि फ्लैट जगह पे ही अपना घर वो भी वाला बनेगा। तो यहाँ से मेरे को लग रहा डर्ट अपने को हटानी होगी, और ये जो है थोड़े बहुत ये देखो ये हटाने होंगे यार, मेरे को लग रहा सामने की ओर उधर जो है विलेज है, दिख रहा है क्या आपको। चलो भाई साहब अपना काम बन चुका है, अब अपने जो है घर यहाँ पे बनाएंगे और रात को यहाँ पे रहेंगे, ठीक है क्योंकि रात होने वाली है। देखो सामने जो है सूरज नीचे की ओर जा रहा है, तो फटाफट से जो है मैं ये डर्ट को जो है हटा लेता हूँ। अबे यार ये क्या कर दिया मैंने, चलो इसको कर दिया फिर से मैंने पैक, और लो रात होने वाली है, रुको मेरे को ना सोना होगा, सुबह होने का वेट करते हैं उसके बाद काम करेंगे, ठीक है दो मिनट रुको यार, मेरे को ना बेड लगाने दो अपना यहीं कहीं, साफ करने दो जगह फटाफट से, क्योंकि ना रात को क्रीपर आएंगे, तो मैं सो जाता हूँ फटाफट से। और चलो फटाफट से जो है मैं करता हूँ इनको साइड में और फ्लैट करता हूँ इस जगह को। वैसे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, विलेज के अंदर जाके रह सकता हूँ, बट भाई साहब वहाँ के जो लोग होंगे ना वो मेरे को निकाल देंगे या फिर मेरे को मरवा देंगे, तो इसलिए मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा अपना खुद का घर बनाऊँगा यहाँ पर, और उनके सामने देखो वो रहा विलेज और ये ना मेरा घर, सही है ना, ओपी लगेगा ना मज़ा में। अब मेरे को ना पहले से तो फ्लैट भी करना होगा, तो उसका भी प्रबंध करेंगे, और मेरे को लग रहा है अपना ने ये भी हटा दिया, बस ये हट गया बस दो मिनट का काम अपना। वैसे मेरे को लग रहा है अपने को थोड़े ना पीछे की और जगह छोड़ ही देते हैं यार, चलो छोटा सा घर बनाएंगे यार, मैं बता रहा हूँ आपको पहले, कभी आप सोचो कि बहुत बड़ा घर बनाएगा तो मेरे को लग रहा अभी सही नहीं लगेगा, छोटा सा घर बनाएंगे उसके अंदर यहाँ पे अपना बेड लगाएंगे और रात को सो जाएंगे गाइस, सही है ना, यही करना होगा अभी तो। और मेरे को ना थोड़ा बहुत स्टोन भी चाहिए, क्योंकि स्टोन से ही अपना काम इसको तैयार करते हैं पहले तो घर को, पहले मैं घर का जो है फ्रेम रेडी करता हूँ, उसके बाद मैं क्या, अबे यार मेरे पास तो सामान ही ख़त्म हो गया। और रुको वो रहा नीचे की ओर पेड़, उनसे मेरे को लग रहा अपना काम बन जाएगा, चलते हैं फटाफट से, वैसे यार बहुत ज़्यादा दूर है बहुत ज़्यादा। फटाफट से मैं चलता हूँ घर की ओर, क्योंकि रात होने वाली है, और अगर रात हो गई मैं अगर नहीं सोया ना तो भाई साहब मेरे को ना आके वो सुआ जाएंगे, मतलब मार जाएंगे। तो मैं वहाँ से आया था ना वो रे मेरी जगह, ठीक है क्योंकि मेरा वहाँ पे ही है वो सामान, मेरे को दिख रहा है क्या इतनी दूर से, मेरे को वो दिखा अपना क्राफ्टिंग टेबल। मेरा बेड कहाँ पे गया, बेड कहाँ पे गया। अबे बेड यार लगाते हैं और सो जाते हैं भाई साहब, बस यू नीड रेस्ट,
अबे यार ये क्रीपर है क्या साला, ये मेरे को सोने नहीं देगा। चलो मैं सो जाता हूँ अब, और उठता हूँ सुबह, मेरे को लग रहा है अपने पास कोई भी नहीं होगा, अगर होगा तो मैं ये बेड जो है तोड़ के फटाफट से यहाँ से निकल लेता हूँ। ये देखो साले ने सुराख कर दिए यहाँ पे, मतलब मेरी जो है मेहनत में मिट्टी मिला दी यार उस पागल ने। चलो और भाई साहब शॉर्टकट, शॉर्टकट यूज़ करते हैं गाइस। ये देखो ये मेरे पास शॉर्टकट, मेरे को ना ये आइडिया पता नहीं कहाँ से मिला था कि ऊपर से लगा दो भाई साहब, नीचे तो पड़ा रहने दो, जैसे है गुफा बन जाएगी। मेरे को लग रहा है ऐसे ही ना इस गेम के अंदर सबसे ज़्यादा गुफा बनी हुई है, तो कोई बात नहीं इसको तो ख़त्म करते हैं। चलो ये देखो 2 मिनट के अंदर हो गया यार, ये तो मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और मेरा जो है टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ। सो गाइस मैंने जो है क्रिएट कर लिया प्लैंक्स, और अब मैं जो है फिर से घर को बनाता हूँ, रेडी करते हैं। और को सबसे पहले तो मेरे को ये जो है यहाँ पे रखना है, और मेरे को कुछ ना अब खा लेना चाहिए क्योंकि ना बहुत टाइम हो चुका है मैंने कुछ खाया भी नहीं है। ये लो ऐसा पहले तो खाते हैं, उसके बाद अपना घर बनाते हैं, क्योंकि सुबह का है, नाश्ता भी कर लेते हैं क्योंकि मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी कुछ भी नहीं किया। लो भाई साहब लास्ट चिकन बचा हुआ है, लास्ट चिकन है ना, ये मीट है कुछ भी हो, और भाई साहब स्टार्ट करते हैं। चलो ये लो बड़ा कर दिया घर, ठीक है, ये सही है ना, सही है, मेरे को तो सही लग रहा है, आपको नहीं लग रहा कोई बात नहीं है, करेंगे कुछ ऐसा प्रबंध। और इधर ऐसे करते हैं, एक वॉल खींच देते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये वॉल मैंने क्यों बनाई, तो आपको मैं बता दूं, इधर हमारा लगेगा बेड, और इधर कर देते हैं रास्ता क्यों बंद। ये लो विंडो बन चुकी है यहाँ पे, एक विंडो यहाँ पे कर दी हमने, और घर अपना सही लगेगा क्या। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं जो है रुको, मेरे को समझ आ गया गाइज, मेरे को समझ आ चुका है कि अब अपने को जो है रूफ जो है कैसे बनानी है। रूफ बनाने के लिए अपने को पहले तो जाना चाहिए, ये रहा क्राफ्टिंग टेबल अपना, और यहाँ पे जाके रूफ के लिए ये रहा सामान, यहाँ पे आ चुका हूँ। और अब मैं फटाफट से जो है छत रूफ जो है बना देता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है इतने में अपना काम हो जाएगा। नहीं हुआ यार, मैं नीचे गिर गया, ठीक है यहाँ पे। अबे यार ये गलत चीज़ लग गई, अबे टूट जाए यार, टूटती क्यों नहीं यार ये, अब टूटेगी, इससे मेरे को लग रहा अपना काम हो जाएगा। और लेके आनी होगी अपने को ये, तो ये देखो सिर मेरे पास अब दो, दो में क्या होगा यार, मैं देखो एक चलो अपने पास नीचे की ओर है ये देखो, और ये लो ये मैं तोड़ देता हूँ, टूट जा यार, अबे टूट जा। और वैसे मेरे को लग रहा है यार ये ज़्यादा नीचे नहीं है क्या घर, वैसे चलो इतना ठीक है, बाद में कर लेंगे सही। अब मेरे को एक चाहिए सिर्फ ये, ठीक है, तो मेरे को लग रहा है अपने को यहाँ से ही मिल जाएगा ये, तो यहाँ से देखो नीचे की ओर जाना होगा अपने को। कोबल स्टोन भी चाहिए मेरे को यार, वो कहाँ पर अपने को ना फटाफट से ये काम करके विलेज जाना चाहिए, विलेज के अंदर से अपने कुछ खाने का प्रबंध करके आते हैं। और मेरा जो है घर बहुत सही लग रहा है ऊपर, चलो चलते हैं, अपना काम हो चुका है, अपने को जो चाहिए था वो मैंने ले लिया, और अब अपने जो है घर के अंदर रोशनी भी कर सकते हैं क्योंकि मेरे को वो भी सामान मिल चुका है। तो चलते हैं फटाफट से, और वीडियो का जो है एंड भी करना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो चुकी है, और अपना घर जो है रेडी हो चुका है। देखो वहाँ से दिख रहा है विलेज, और यहाँ पे दिख रहा है मेरा घर। मैंने एक बारी के अंदर घर के सामान बना दिए, और ये बनाना चाहिए था मेरे को, ये बना लिया मैंने, और मेरे को क्या बनाना चाहिए था, वैसे मैंने पूरा जो घर वुड का बनाया, वुड का ओपी लगेगा। और ये क्या भाई, ट्रैप डोर गाइज, इसकी भी ज़रूरत है अपने को, ठीक है, तो इसको यहाँ पे रखते हैं। और रात होने वाली है, तो मैं अपना जो है फटाफट से बेड लगाता हूँ घर के अंदर, यहाँ पे लगा लेते हैं भाई साहब, और सो जाते हैं गाइस फटाफट से। और मेरे को जो सामने की और विंडो दिख रही है, मेरे को जो पता चल जाएगा कि दिन कब हो रहा है और रात कब हो रही है, चेंज करना होगा। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को कुछ आइडिया आया, क्योंकि अब अपने को इस लैडर की कोई ज़रूरत नहीं है अब अपने पास, क्योंकि ये वाली लैडर्स है, तो अब मेरे को कुछ यूनिक सा बनाना होगा यहाँ पे। अब ये कौन आ रहा है, ये आता और चला जाता है, मेरे को समझ नहीं आ रही क्या करने आता है यहाँ पे, ठीक है। हमें जो है अब फटाफट से इसको जो है ना जेब में डालना चाहिए, क्योंकि ना अब हमें कुछ भी बनाना पड़ सकता है, क्योंकि हम जा रहे हैं विलेज की ओर। और एक तो यहाँ पे पता नहीं कोई बॉडीगार्ड है बंदा, वो भाई साहब बहुत ही ख़तरनाक बंदा है, तो उसका भी अपने को ना उससे तो अपने को दूर रहना होगा। अंदर हमने जो हमें लेना है ना वो हम लेके जाएंगे, वैसे ये डोर तुम्हारे क्या काम का, हम लेके जा रहे हैं, हम जो है दिन दिहाड़े चोरी कर रहे हैं यार, सही थोड़ा ना लगता है यार, अच्छा थोड़ा ना लगता है। ये वुड, ये मेरे को ना बेड बहुत सही लगा येलो कलर का, तो मैंने जो है ले लिया यार, तुम तो विलेज में रहते हो ले लेना यहाँ से। साउंड आ रही है मेरे को चारों ओर से, बहुत ज़्यादा बंदे हैं यहाँ पे। अबे तू क्या कर रहे हो, अब इसका ये ना घर का गेट, मैं सोच रहा हूँ यार डोर कहाँ पे है घर का। अबे भाई मेरे को बाहर जाने दे, कोई बात नहीं है तू चला जा अंदर। अबे नहीं, अबे नहीं,
साले मेरे पीछे तो कोई नहीं आ रहा ना। अबे आ रहा है, ये मधुमक्खी आ रही है। मेरे पास ना कुछ खाने के लिए भी नहीं है, मेरे को ना फटाफट से अपनी जो हेल्थ है वो रिकवर करनी होगी, उसके बाद ही मैं बाहर जा सकता हूँ। नहीं तो यार मेरे को ना बाहर जाते ही वो मार देगी यार, ठीक है ना। तो कोई बंदा ना आ जाए यार अंदर गलती से भी। ये मेरे को लग रहा कुछ खाने के लिए है, तो ले लेते हैं इसको। और उसके बाद वैसे मेरे को ना ये पका के खाना चाहिए, मैं ना ऐसे ही खा रहा हूँ, देखते हैं हेल्थ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ना ये सिर्फ जीने का एक रास्ता है। यहाँ से ना मेरे को कुछ खाने के लिए मिल जाए तो बहुत अच्छी कैसी बात है। इनके घर में वैसे खाने के लिए बहुत सामान होता है, तो आज मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा। पता नहीं क्यों यार, इनको पता था कि कोई आने वाला है यार, तो हमने जो है सारा सामान इन्होंने लगता है खा लिया, या तो पहले ही, या फिर भाई साहब ये आज कलेक्ट करेंगे और उसके बाद भाई साहब मेरे को लग रहा है यहाँ से जाना होगा। और अगर भाई साहब यहाँ से अगर मेरे को कुछ भी नहीं मिला, यहाँ पे ढूंढते ढूंढते अगर रात हो गई, तो मैं क्या करूँगा भाई साहब, यहाँ पे ही रहूँगा एक रात। वो देखो एक बंदा, वो दिखा आपको, ये वाला बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो इससे थोड़ा बहुत बच के रहना होगा। और भाई साहब अंदर की ओर कुछ और है, इसके अंदर देखते हैं क्या मिलेगा अपने को। ब्रेड मिले भाई साहब, खा लेते हैं भाई साहब, काम आएंगे अपने, खाते हैं खा लेते हैं। मेरे को लग रहा है इससे अपनी हेल्थ थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। देखो बड़ी, देखो भाई साहब ब्रेड खाने से ही मेरी हेल्थ कितनी ज़्यादा हो चुकी है, मतलब अगर मैं कुछ भी पका के खाऊंगा ना, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और वो सामने जो बंदा दिख रहा है ना आपको, वो बहुत बेकार इंसान है, बहुत ज़्यादा घटिया इंसान। ये घर किसका है भाई साहब इतना बड़ा? अबे इसमें कौन रहता है यार? इसमें मेरे को लग रहा है या तो 10 से 15 लोग रहते हैं। ये देखो बैठने के लिए भी जगह बनाई गई, या तो ये मेरे को किसी रेस्टोरेंट की तरह लग रहा है। ये बंदा आके सोया है क्या? मैं सोच रहा हूँ कोई कौन आया था यार, मैं डर रहा था ऐसे ही। बस मेरे को ना ये चोरी करते हुए पकड़ ना ले। और ब्रेड यहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा मिल चुके हैं यार गाइस। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है गाइस, कोई आ रहा है। भागो यार यहाँ से, तो मेरे को डर लग रहा है। अबे मैं करता हूँ ऐसा करता हूँ, इसके बेड पे ही सो जाता हूँ। उठ यार तू, मेरे को सोने दे गाइस। मैं इसके बेड पे ही सो गया और इसको पता लगा कि भाई साहब मेरे को उठा के खुश हो रहा साला। ये मेरे को लग रहा है घर से निकालेगा। ये देखो ये पूरी रात मेरे को लग रहा है मेरे पीछे जागा है, और मैं इसके घर का सामान लेके जा रहा हूँ। ये चला भी क्या जा रहा है भाई साहब? ये जा रहा है, जा यार तू जा, तेरा क्या काम है यहाँ पे? देखते हैं अपनी हेल्थ इससे कितनी बढ़ेगी। और वैसे मेरे को ना डोर चाहिए थे, ठीक है ना। तुम तो यार विलेज में वो बना लोगे मेरे घर के लिए यार, बना ले जाने दो मुझे। और यहाँ से ही अपनी ना ऐसी ऐसी चीज़ ले, मतलब ऐसे सामान लेके जाएंगे ना किसी ने सोची ना होगी। देखो मतलब पूरे घर को ना खाली करके जाएंगे इनके। ओबे भाई साहब गलत मार दिया मैंने लगता है, कभी ऐसा ना हो कि यहाँ के लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। साले ने मारा तो मारा क्यों हमें? मेरे को ना किसी की साउंड आ रही है, मैं निकलता हूँ यहाँ से पतली गली से, ठीक है। बहुत हो चुका गाइस, मेरे को किसी की साउंड आ रही है, मेरे को डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। इतना डर कि मतलब पूछो मत कितना डर लग रहा है मेरे को। बस अपने घर पे तो पहुंच चुके हैं बिजी, अब डरने वाली कोई बात नहीं है। ये अपना घर, और वैसे यहाँ पे देखो फिर से घास उगाई है, मतलब क्या ही। रुको अपने को ना इसका थोड़ा डोर बड़ा करना चाहिए मेरे को लग रहा है, और ये विंडो जो है अपने को यहाँ पे करनी चाहिए। तो फाइनली मैंने जो है इन्हें तोड़ लिया, और अब यहाँ पे क्या करते हैं अपने को क्या लगाना है आपको पता है, ठीक है। तो इसे भी तोड़ा मैंने, और यहाँ पे ये लगाया, और अब जो अपने लेके आए थे ना वो लगाते हैं। ये लगा दिया इधर डोर, अब ऊपर देखो सही वाला सीन बचा हुआ है। तो अब मेरे को लग रहा है यहाँ पे ना मेरे को क्या लगाना चाहिए पता आपको? ये वाले पत्थर। तो मेरे पास इस समय तो कोई पत्थर है नहीं, थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ इधर उधर से मिल जाए तो बहुत अच्छी खासी बात है। अगर नहीं मिले चलो मैं बाहर जाता हूँ एक बार फिर से और कुछ लेके आता हूँ। कोबल स्टोन अब मेरे को लग रहा है यहीं कहीं से मिल जाएगा अपने को। वैसे मैं ना गया हुआ था कहाँ पे, विलेज में, तो वहाँ से मैं लेके आ भी सकता था। ये लोग आए, सुबह उच की है, चलते हैं बाहर और इसको करते हैं बंद और चलते हैं छत पे। अब मेरे को क्या करना था आपको पता ही है। ये लोग, ये भाई साहब, ये भाई साहब वुडन एक्स, इसे तोड़ते हैं इसको। टूटा टूटा गाइस टूटा, ये टूट गया फिर से। चलो कुछ और लेके आते हैं, पहले तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ना वो लगाता हूँ। ये लो गाइस ये स्लैब भी हो चुकी है। और वैसे ये विंडो ना बहुत सही लग रही है, कैडी लग रही है छोटी सी। आपको कैसी लग रही है मेरे को बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, मेरे को सही लगी।
और वैसे ना मेरे को ये वाला पत्थर जो है निकाल देना चाहिए गाइस, निकाल देना चाहिए ये वाला स्लैब भी, क्योंकि ना यहाँ पे भी अपने वॉइड लगाएंगे ये वाला सीन, ये देखो। चलो गाइस अपना काम बन चुका है, ये लो ये मैंने इधर लगाया। वैसे अपना घर जो है बहुत नीचे है मेरे को लग रहा है, थोड़ी बहुत छत अपने को ऊपर की ओर लगानी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं यार। अबे यार ये नहीं लगाना था मेरे को गाइस, पोपट हो गया। मैंने सोचा यहाँ पे लग जाएगा बट भाई साहब नहीं लग रहा, तो मेरे को जो है ये तोड़ना होगा। और यहाँ पे क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ, क्या करना होगा आपको मैं बताता हूँ अभी। ये देखो गाइस ऊपर की ओर मेरे को ये लगाने होंगे, एक दो तीन, मतलब जब मैं नीचे की ओर लगा रहा था तब साला लगा नहीं, और मैंने जैसे ही भाई सब क्या बोले यार गाइस, क्या ही बोले, मतलब गलत सीन हो रहा है ना ये तो। मतलब मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तब लगता नहीं है, और जब मैं लगा ही देता हूँ तब लगेगा, नहीं लग रहा। ठीक है मैं ऊपर की ओर ये लगाता हूँ, नीचे की ओर ये लगा देते हैं 2 मीटर को, ये लो ये लो। अरे यार ये नीचे की ओर नहीं लगता, मेरे को लग रहा है यहाँ पे कुछ और लगाना होगा अपने को। तो ऊपर क्या लगाए मेरे को गाइस समझ नहीं आ रहा। गाइस मेरे को ना ये लग रहा है ये जो है डोर पहले निकालना चाहिए, उसके बाद ये लगाना चाहिए। ठीक है ये देखो अब लगेगा क्या, अबे नहीं लगा, ये हर बार जो है नीचे की ओर लगता है, पता नहीं क्यों यार इसके क्या दिक्कत है। तो वैसे मेरे को लग रहा है अपने पास ये सामान तो है, तो इसका तो अपना ये बना सकते हैं अपने। मेरे को क्या बनाना था ये रहा, लो गाइस ये बन चुका है, मेरा काम बन चुका है, लगा देते हैं। गाइस आप सोच रहे हो कि भाई साहब इतना सा घर बनाने में तुम्हें इतना समय लगा, तो मैं आपको बता दूं टाइम लगता है हर चीज़ बनने में। चलो गाइस अपना जो है घर बन के बिल्कुल जो है रेडी हो चुका है, और हमने जो है इसकी छत भी लगा दी है, तो वो भी लग रहा है बहुत ही ज़्यादा सही। और देखो मैं यहाँ से अपने घर के अंदर देख सकता हूँ क्या, अबे दिख जाए यार, बेड बेड दिख रहा है मेरा यहाँ से, और यहाँ से मेरा क्राफ्टिंग टेबल भी दिख रहा है। और मैं थोड़ी बहुत जो है अंदर जाके 2 मीटर को, अब मैं यहाँ पे कुछ सामान लगाना था, आपको पता है मेरे पास कुछ बहुत ही ज़्यादा सही सामान पड़ा। ये देखो अब मैं ये जो सामान है ना यहाँ पे, अबे डोर नहीं लगाना था, अबे पोपट, क्या ही पोपट इंसान है यार ये, बार बार जो सामान नहीं लगाना होता वो भी लगा देता है। तो यहाँ पे लगाते हैं इसको, और मैं इसके अंदर ये डालता हूँ पोटैटोज, ठीक है, और एक ब्रेड में इधर डालता हूँ। और वैसे मेरे को ये जो, ठीक है यही सामान की मेरे को साउंड आई थी, तो घर के अंदर इतने ज़्यादा रोशनी भी नहीं है, तो रोशनी भी हमें करनी होगी, तो रोशनी हम कैसे करेंगे। और वैसे मेरे को थोड़ा ये अजीब लग रहा है यार ये वाला, तो इस पे ना ये स्लैब नहीं लगाएंगे, ये वाली स्लैब लगाएंगे, ये लो सही है ना। ठीक है वैसे यहाँ पे भी लग सकती थी, क्योंकि मेरे पास 3 है और यहाँ पे 4 लगनी है, कोई बात नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ यार, ये वैसे दीवार के अंदर फिट है ना, तो इसको यार तोड़ ही देते हैं, वैसे कोई काम की है नहीं यार, मेरे को सही नहीं लग रही, तो मैं इसको तोड़ता हूँ। छोटा सा घर है, उसके अंदर मैं ऐसे यार वॉल कर रहा हूँ तो यार बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा। तो मैंने यहाँ पे ये लगाया, और नीचे का जो ये बहुत छोटा हो जाएगा घर, बहुत छोटा हो जाएगा, अगर मैं कुछ ऐसी हरकत करूँगा ना तो घर जो है छोटा हो जाएगा। वैसे मैं घर को जो है अंदर से कर सकता हूँ यार थोड़ा सही, कैसे वो बताऊँ मैं कैसे आपको। ये बेड को मैं पहले डालता हूँ इसके अंदर, वैसे मेरे पास ये बहुत सही सामान है, तो मैं क्या करता हूँ ये बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। गाइस काम बन गया अपना, दिखाता हूँ आपको मैं कैसे बना, बस बन चुका है अपना, ये देखो मेरे को ये बनाने थे। तोड़ते हैं भाई साहब, गाइस फिर से तोड़ना होगा अपने को एक बार, थोड़ा बहुत ना मेहनत करनी होगी इस घर को रेडी करने में। तो मैं गेट को करता हूँ डोर को बंद, और मैं इसको तोड़ता हूँ पहले। तो 11 बच्चे हैं, तो मेरे को लग रहा है अपना जो है 9 के अंदर ही काम हो जाएगा स्लैब के अंदर। तो गाइस अपना जो है ये घर बिल्कुल रेडी हो चुका है, ओपी लग रहा है यार। अबे यार मैं इस डोर को बार बार इसी जगह पे क्यों लगा देता हूँ, और वैसे यार हाथ से डोर वैसे टूट जाता है क्या, मेरे को बताना यार कमेंट बॉक्स के अंदर। ये लो अब मेरे को यहाँ पे लगाना था अपना बेड, तो बेड लगाता हूँ मैं अब। चलो इतनी थी लाइट्स हमारे पास, तो सही है हमारा जो है घर बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है गाइज। तो आपको ये घर कैसा लग रहा है, और रुको 2 मिनट, एक काम तो रह ही गया मेन काम गाइज, ये देखो अब बताओ गाइज
यह घर आपको कैसा लग रहा है। मेरे को तो बहुत सही लगा और इस वीडियो का अपने यहीं पे करते हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अगर मैंने कोई भी चीज़ को गलत कुछ मतलब बोला हो तो बता देना यार कमेंट के अंदर जाके, नूब नूब बिल्कुल मत कहना। और गाइस ये मेरा पहला वीडियो माइनक्राफ्ट का, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि अपने जो है 1K सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, क्योंकि 1K के बाद अपने को 10K भाई साहब, उसके बाद 15K, उसके बाद 1 लाख, और उसके बाद तो आपको पता है मिलियन में। तो देखते हैं भाई साहब कब तक पहुँच पाएंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, तो शेयर कर देना जो भी माइनक्राफ्ट देखता हो। तो गाइस मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।